everyone, this is Neha Malik. Welcome to English with Neha Malik YouTube channel, a channel where you hope for, where you can get quality and relevant content for your upcoming examinations. If you are new to this channel, don't forget to hit the bell icon after subscribing to our channel English with Neha Malik. Date is 29 September 2022. I hope you all are happily preparing for your examination. Yes, when I say happily, I mean by that. I know there is something very chaos after that notification has come out of SSC CGL. Students have created a turbulence that okay, this examination, this kind of that examination, whatever. So just leave all those extra stuffs from your mind. Prepare it happily. Prepare with the challenge, okay? So be confident for your strategy. जो भी आपने strategy अपनी अपनाई हुई है उसको भी कोई change करने की जरूरत नहीं है, उसी mode में prepare करते चाहिए, ठीक है? December तक आपको वही mode रखना है. Prelims clear होने के बाद देखेंगे कि mains की strategy कैसी हो. लेकिन अभी आपके पास CPU है, steno है, CGL pre है, जो सब वैसा का वैसा ही होने वाला है. तो बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है. चलिए भी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. व्हाट वी हैव स्पेशल इन आवर टुडे सेशन, EDMs. यस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर स्टार्टिंग विद EDMs अगेन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ग्रामर पोर्शन, व्हाट हैपेंड टू ग्रामर सीरीज, the rest of the videos will be coming simultaneously. Don't worry about that. वो मेरा काम है, मेरे पे छोड़ दीजिए कि ग्रामर की वीडियोज कब अपलोड करनी है, क्लोज टेस्ट कब आएगा, कॉम्प्रिहेंशन कब आएगा, पैराजम्बल कब आएगा. यू जस्ट रिलैक्स, ओके? जैसे कहते हैं, कीप काम एंड हैव फेथ ऑन इंग्लिश विद नेहा मलिक यूट्यूब चैनल. यस, आपको बस चैनल पे फेथ रखना है और जो जो कॉन्टेंट आपको मिलता जा रहा है इंग्लिश का, इसको घोट के पीना है आपको, दवाई की तरह, ठीक है? तो इसलिए आज हम EDMs की क्लास स्टार्ट करते हैं बेस्ट वे में, ठीक है? बेस्ट वे का मेरा मतलब ये है कि आपको ये याद रहने चाहिए. यस, EDMs याद ना रहे तो फिर क्या फायदा? 100 EDMs किए लेकिन 5 ही याद रहे, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला है. अगर हम 100 EDMs करेंगे तो 100 के 100 याद रहेंगे. इस सीरीज में वैसे हम 100 से ज्यादा EDMs कवर करेंगे और मैम ये EDMs कौन से होंगे वो भी बताऊंगी, वो भी बताऊंगी. लेकिन अभी आप पहले ये सुनिए कि अगर आपने अच्छे से थंबनेल देखा है तो थंबनेल पे मैंने गारंटी दी है. यस, आई गारंटेड देयर कि अगर आप इस सीरीज को पूरे तरीके से देखते हैं तो आप कोई भी एसएससी में आया हुआ EDM स्किप नहीं कर सकते, उसे छोड़ नहीं सकते, उसे गलत नहीं कर सकते. यस, लेकिन एक शर्त है. वो शर्त क्या है उसको भी मैं EDM के तौर पे ही समझाऊंगी. अगर आपको आइसिंग ऑन दी केक चाहिए, आइसिंग ऑन दी केक, आइसिंग का मतलब तो आप समझते होंगे, जो ऊपर से हम टॉपिंग करते हैं, ठीक है, केक को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए, जिस तरह से आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि जो ऊपर से हम सजावट करते हैं शुगर या मिल्क के किसी इंग्रेडिएंट को मिला के उसे सुंदर बनाया जाता है, उसे बोलते हैं आइसिंग. तो अगर आप इस सीरीज को और सुंदर बनाना चाहते हैं, अपनी तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हैं, तो ए टू जेड EDMs करके भी हमारी एक सीरीज है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, उसे भी जरूर कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है? वो सीरीज और उसके साथ साथ ये 100 से ज्यादा, लगभग 110-120 EDMs हम करेंगे, ठीक है? 100-110 के आसपास हम EDMs करेंगे. वो और ये आपको अच्छे से करनी है और फिर वो जो मैंने गारंटी ली है वो बिल्कुल कामयाब होगी, ठीक है? ऐसा कोई सवाल नहीं आ सकता है जो आपने इंग्लिश विद नेहा मलिक यूट्यूब चैनल पे ना किया हो, ओके? तो चलिए भाई, तो ये 100 EDMs कौन से होंगे? ये 100 EDMs SSC के वही क्वेश्चंस होंगे जो अभी मई CHSL में आए, फिर आपका MTS में आए और जो सिलेक्शन पोस्ट था उसमें आए. तो ये अभी लास्ट के 3 मंथ्स के हैं, ठीक है? लास्ट के 3-4 मंथ्स के EDMs देखना बहुत जरूरी है. अब SSC बहुत ज्यादा भी प्रीवियस ईयर पे रिलायबल नहीं हो रहा है. कुछ कुछ वैरायटीज SSC ला रहा है, लेकिन हम भी कम नहीं, हम भी अपनी स्ट्रेटेजी को बढ़ा देंगे, हम में क्या कमी है. तो बिल्कुल आज हम स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को नए सीरीज से. पहला क्वेश्चन देखते हैं, अ फ्लाई ऑन दी वॉल. ये EDM अभी अभी आया है, अ फ्लाई ऑन दी वॉल. आप देख रहे होंगे दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, दीवार पे एक फ्लाई,
एक मक्खी या मधुमक्खी या कोई भी इंसेक्ट चल रहा है, कई बार हमें लगता है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो कोई इंसान ना सुन रहा हो, ठीक है। लेकिन कई बार आपने इंडियन लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में सुनते हुए देखा होगा अपने घर वालों को या अपने रिश्तेदारों को, हे दीवार के भी कान होते हैं, धीरे से बात करो, दीवार के भी कान होते हैं, यानी कोई ना कोई तो तुम्हें सुन रहा होगा, ठीक है, क्या पता तुम्हें वो दिख ना रहा हो। तो इधर ये जो मक्खी है या ये जो भी इंसेक्ट है, ये आपकी बात को सुन रहा है लेकिन आप इसे देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये एक बड़ी सी वॉल पे एक छोटी सी चीज है लेकिन सुन तो रही है। तो ऐसा ऑब्जर्वर जो दिखाई ना दे, एन अननोटिस्ड ऑब्जर्वर, एन अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर, क्योंकि आपका फोकस तो बस ये है कि कोई व्यक्ति ना सुन रहा हो, पर छोटी सी मक्खी ने भी सुन लिया तो बात तो कहीं ना कहीं चली गई। तो इस idiom का मतलब था कि कोई भी ऐसा ऑब्जर्वर जो आपकी बात सुन रहा है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा। ओके, तो इसका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहां पे हो जाएगा, इसका आंसर यहां पे हो गया है सी। नया idiom था लेकिन इजी idiom था, ठीक है, नया बोल सकते हैं कि एसएससी में पहले ना आया हो, लेकिन हाँ इजी था। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन दी सेम बोट, आप यहाँ पे बोट देख पा रहे होंगे, ओके, और उसमें आप कई सारे लोग देख पा रहे होंगे और ये लोग आपको खुश लग रहे हैं या कहीं ना कहीं परेशान लग रहे हैं। क्या किसी के चेहरे से ऐसा वो खुशी वाला कि उनके चेहरे पे कोई ग्ली हो, खुशी हो, एंजॉय कर रहे हो सारे, नहीं, ये सब नहीं दिख रहा। मैंने बहुत बार बच्चों से जब ये पूछा है बेटा इन दी सेम बोट का मीनिंग क्या होता है, तो बच्चे बोलते हैं मैम एक सिचुएशन में, मैम एक ही तरह के लोग या एक ही तरह की लाइफ से गुजर रहे हों। नहीं, अगर दो लोग खुश हैं अपनी अपनी लाइफ में, ठीक है, दोनों की लाइफ में कोई दिक्कत नहीं चल रही, दो दोस्त हैं बिल्कुल खुश हैं, दोनों की लाइफ में कोई दिक्कत नहीं चल रही, आप वहां पे इस idiom का यूज नहीं करोगे कि राम एंड श्याम आर इन दी सेम बोट nowadays। इन दी सेम बोट एक थोड़ा सा पार्शियली नेगेटिव idiom होता है या इंक्लाइन टूवर्ड्स नेगेटिविटी होता है। ये दिखाता है जब दोनों लोग एक ही प्रॉब्लम से गुजर रहे हों, ठीक है। अब इस बोट में देखिए सारे लोग कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल कर रहे हैं डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, या कोई किसी पे आरोप लगा रहा है, वो उस पे आरोप लगा रहा है कि तुम्हारी वजह से हम नहीं जा पा रहे। तो एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसा सीन जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग एक ही तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ठीक है, सेम डिफिकल्ट सिचुएशन में है, उसे बोलेंगे इन दी सेम बोट। हो सकता है आपका फ्रेंड यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, उसका पेपर भी पास है, उसके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे, आपका एसएससी का पेपर पास है, आपके भी मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे, तो आप वहां पे बोल सकते हो वी आर सेलिंग इन दी सेम बोट, ठीक है, सेलिंग भी लगा सकते हैं SAILING, या फिर खाली ये भी बोल सकते हैं वी आर इन दी सेम बोट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गियर अप फॉर, आपने ये फ्रेज सुना होगा, मुझे नहीं लगता अगर ये नहीं सुना होगा, गियर अप, वैसे गियर अप सुना होगा, जब हम एक हाई स्पीड करते हैं किसी भी व्हीकल की तो हम बोलते हैं यस, या गियर को चेंज करते हैं हाई स्पीड में ले जाने के लिए तब भी बोलते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो मैंने कुछ और idioms दिखाए हैं, जैसे फासन योर सीट बेल्ट, एयर हॉस्टेस इंस्ट्रक्ट कर रही है जितने भी वहां पे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं कि फासन योर सीट बेल्ट्स। तो यहां पर क्या मतलब है, वो कह रही है कि तैयार हो जाइए, ठीक है, बकल अप, ओके, पुल योर सॉक्स अप, गर्ड अप योर लॉयंस या गर्ड वंस लॉयंस, ठीक है, लॉयन का मतलब क्या होता है, इट इज नॉट लायन, इट इज लॉयन, लॉयन का मतलब होता है यहां से लेके यहां तक का हिस्सा, ठीक है, और गर्ड का मतलब होता है टाई करना, बांधना, ठीक है, किसी बेल्ट से या किसी कपड़े से, ठीक है, इसके अराउंड। तो जब आप अपने लॉयंस को, अपने स्पार्ट को टाइट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप तैयार हो रहे हैं किसी चैलेंज के लिए।
पुल योर सॉक्स अप, जब आप अपनी सॉक्स पुल करके कहीं ना कहीं किसी गेम को खेलने जा रहे हैं कि येस नाउ इट्स माई टर्न, फास्टन योर सीट बेल्ट, आप उड़ने को तैयार हैं, बट पहले आपको एक प्रोटेक्शन चाहिए, इस तरह से. तो इन तीन एरियम्स का मतलब और गियर अप का मतलब एक ही है. ओके, कोई सा भी ऐसे ऐसी एरियम दे दे, ये 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 या ये और या फिर ये. ओके, सबका मतलब क्या है? गेट रेडी फॉर. आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कॉल अपॉन. बहुत अच्छा एडीएम है. देखिए, एसएससी ने कुछ सालों पहले एसएससी ने दिया था कॉल ऑन, ठीक है, और उसके ऑप्शन में था टू विजिट. कॉल ऑन या कॉल अपॉन, मेरे ख्याल से शायद 2017 या 18 में दे आस्ट. ओके, और वहां पे वन ऑफ द ऑप्शंस वाज टू विजिट. The answer was to visit. Okay, so either you use on or you use upon, they have the meaning to visit someone, किसी से मिलने जाना, किसी से मुलाकात करना. लेकिन अभी यहाँ पे चारों ऑप्शन में to visit नहीं है, तो एक और मतलब होता है, और पहली बार इस मतलब का क्वेश्चन आया है, ठीक है. इससे पहले जब कॉल ऑन या अपॉन एटीएम आता था तो उसका मीनिंग एसएससी टू विजिट समवन देता था. इस बार ऑप्शंस में कहीं टू विजिट नहीं दिखाई दिया, तो यहाँ पे इसका एक और आंसर है जो आप ढूंढोगे किसी भी अच्छी डिक्शनरी में, कैम्ब्रिज वगैरह में मिल जाएगा. ओके, चूज या रिक्वेस्ट या ऑब्लिगेट या ऑर्डर, किसी को ऑर्डर करना, किसी से डिमांड करना किसी चीज की. एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, यस्टरडे द प्रेसिडेंट कॉल्ड अपॉन वर्ल्ड लीडर्स. इट मीन्स द प्रेसिडेंट ऑर्डर्ड वर्ल्ड लीडर्स एवरीवेयर टू प्रमोट ओपन एंड फेयर ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज. इज दैट क्लियर? किसी चीज की आप चाह रखते हैं, मांग रखते हैं, डिमांड करते हैं या एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर देते हैं, उसका मतलब भी कॉल अपॉन या कॉल ऑन हो सकता है. तो यहां पे सही ऑप्शन बन जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एट सपर. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सपर? सपर इज समथिंग द लास्ट मील ऑफ द डे, ठीक है, किसी भी दिन की जो आखिरी मील होती है उसे सपर बोलते हैं. एट सपर एवरीवन वाज इन हाई स्पिरिट्स. दैट वाज इजी, आई थिंक यू कैन डू इट इजीली, ठीक है, कि शाम के खाने के लिए हर कोई हाई स्पिरिट्स में था. दे वर ऑल चीयरफुल. व्हेन यू आर इन हाई स्पिरिट्स you are cheerful, okay, you are in jovial mood. At one's elbow, yes, at one's elbow. बहुत सारे बच्चों का ये कहना था after they taken the exam, ma'am we were confused between strong bond and next to someone. Okay, the correct answer is next to someone, or you can say beside someone. Or it can be ready to help. Okay? किसी को मदद करने के लिए तैयार रहना, किसी के एकदम पास में ही रहना, किसी के निकट खड़े रहना, ठीक है. जैसे असिस्टेंट के तौर पे भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई सेक्रेटरी है, उसको अपने बॉस के एल्बो पे ही रहना है, यानी आसपास, सो दैट अगर वो कभी भी उनको बुलाए तो सेक्रेटरी एकदम पहुंच जाए वहां पे. गॉट दैट पॉइंट? ठीक है, सो यू कैन से अवेलेबल, यू कैन से बिसाइड समवन, यू कैन से रेडी टू हेल्प समवन और रेडी फॉर द हेल्प. दैट ऑल द मीनिंग्स आर ऑफ एट वंस एल्बो, ठीक है, बिल्कुल पास में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ब्लो अप. बताइए भाई, वी हैव मार्क द लास्ट आंसर ना? यस, आंसर इज डी. ओके, ब्लो अप. एक तो ब्लो अप आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे जो इसका आंसर दिया भी हुआ है ऑप्शन में, ठीक है. ब्लो अप का मतलब होता है एक्सप्लोजन से किसी चीज का सर्वनाश हो जाना. ओके, एनीथिंग दैट ऑब्लिट्रेटेड, कोई चीज जो नष्ट हो गई बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन, ठीक है, किसी भी धमाके की वजह से किसी बिल्डिंग का नुकसान हो गया. ओके, हम वहां पे बोल सकते हैं द बिल्डिंग वॉज ब्लोन अप आफ्टर द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन. इज दैट क्लियर? ओके,
एक और मीनिंग होता है जब आप गुस्से से एकदम लाल हो चुके होते हैं, जब आपका गुस्सा बाहर आ जाता है. ओके, जैसे आप किसी को कह रही हैं, हे डोंट ब्लो अप एट मी, इट वॉज नॉट माई मिस्टेक, मेरे पे गुस्सा मत निकालो, वो मेरी गलती नहीं थी. ओके, सो कोई सा भी ऑप्शन आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे वो गुस्से वाला नहीं था, ये वाला था. सफाइस का मतलब क्या होता है? एनफ. लूज योर टच, ये बहुत पुरानी न्यूज़पेपर कटिंग है. ठीक है, एक बार जब आईफोन 4 में बहुत ज्यादा शिकायतें लोगों को आई थी, तब एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, इज एप्पल लूजिंग इट्स टच. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि उसका टच स्क्रीन काम नहीं कर रहा, नहीं, इसका मतलब ये था कि क्या एप्पल, जो एप्पल कंपनी है, वो पुराने प्रोडक्ट्स की तरह अब काम नहीं कर पाएगी? क्या वो इतनी स्किलफुल तरीके से काम नहीं कर पाएगी? क्या जो उनका एक यूएसपी था या जो उनकी क्वालिटी थी वो गिर गई? तो लूज योर टच का मतलब होता है जब आप अपनी स्किल्स खो देते हैं. ठीक है, जब आपके अंदर जो टैलेंट या स्किल पहले थे वो अब उतने शार्पेंड नहीं रहे, कहीं ना कहीं उनका लेवल कमजोर हो गया, दैट वी कॉल लूज योर टच. कोई इंसान पहले बहुत अच्छा था डांस में, ओके, अब इतना अच्छा डांसर नहीं रहा, देन वी कैन से ही हैज लॉस्ट हिज टच. ओके, सो नॉट बीइंग सक्सेसफुल एज यू वर प्रीवियसली. क्वेश्चन नंबर 9, टिट फॉर टैट, दैट्स वेरी इजी. आई थिंक ऑल दोज हु हैव अपीयर्ड फॉर CHSL, दे मस्ट हैव करेक्टेड इट. कि टिट फॉर टैट मीन्स जैसे को तैसा, काउंटर अटैक. आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ स्नेक इन द ग्रास. ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीन एंड ग्रीन इज समवेयर द साइन ऑफ पीस, लेकिन वहीं पर एक सांप भी होता है जो दिखा रहा होता है कि मैं ग्रास में ही हूं, यानी मैं ग्रीनरी में ही हूं, मैं आपका कुछ अपना ही हूं, मैं आपके फेवर में ही हूं, लेकिन स्नेक है वो क्या है? आस्तीन का सांप हिंदी में बोलते हैं, छुपा हुआ दुश्मन. ठीक है, हिडन एनिमी, और यू कैन से सीक्रेट एनिमी, और यू कैन से अ पर्सन हु विल बी डिसीटफुल, जो धोखेबाज निकलेगा. आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 11, शी वॉज विद इन अ हेयर्स ब्रेथ ऑफ विनिंग. ओके, शी वॉज विद इन अ हेयर्स ब्रेथ ऑफ विनिंग. अब मैं आपको सिमिलर idioms बताती हूँ. हेयर्स ब्रेथ का अगर आपको मीनिंग नहीं याद आ रहा तो क्लोज शेव याद करो. क्लोज शेव आपने जरूर कहीं किया होगा. ठीक है, या क्लोज कॉल, और क्लोज शेव आपने किया है A to Z idioms में, यानी किसी चीज से बहुत बारीकी से बचना. ठीक है, कहीं से भी, मान लीजिए कोई इंसान एक्सीडेंट में बाल बाल बचा, बहुत बारीकी से बचा. क्लोज शेव क्या होता है? बहुत बारीक तरीके से शेविंग करना. सो उसी से हम रिलेट करके बना सकते हैं कि नैरो एस्केप, नैरो मार्जिन. तो यहाँ हेयर ब्रेड्थ का मतलब भी वही है जो इसका, इसका और इसका है. हेयर की ब्रेड्थ, ठीक है, यानी चौड़ाई, ज्यादा नहीं होती है. ठीक है, बहुत हल्की सी चौड़ाई होती है, बहुत हल्का सा मार्जिन होता है, तो नैरो मार्जिन. आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 12, ग्रीस समवंस पाम. ठीक है, ये आपने हिंदी में भी ये मुहावरा सुना होगा कि कुछ ऐसे बोलते हैं, हाथ गर्म करना, कुछ इस तरह से बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से, बहुत टाइम हो गया सुना था, पहले हिंदी में ही ज्यादा सुना था. ओके, तो ग्रीस समवंस पाम का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप ऑडिटर बन गए, ठीक है, CGL में आपका सिलेक्शन हो गया, आप ऑडिटर बन गए, आपको किसी के अकाउंट्स की जांच करने जाना है. तो जब आप अकाउंट्स की जांच करने जाएंगे और वो वहां का जो स्टाफ होगा वो कहीं ना कहीं डरा हुआ होगा, भाई आज तो ऑडिटर आ रहा है, खातों वातों की जांच करेगा, क्या करें. तो फिर उसका मालिक उसे कह रहा है, थोड़ा चाय वाय पिला देना और फिर भेज देना, क्योंकि वो आपको हल्के में ले रहा है, उसको लग रहा है कि आप फिसल जाओगे 2000 के गुलाबी नोट से. ठीक है, लेकिन आपको ऐसा ऑडिटर, ऐसा एम्प्लॉय, ऐसा गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बनना है. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जब आपको कहते हैं आइए आइए सर, चाय पीजिए, तो चाय तो एक बहाना होता है. ठीक है, अंडर द टेबल ग्रीसिंग योर पाम,
वो कोशिश करते हैं, दे विल ग्रीस योर पाम सो दैट यू विल एक्सेप्ट दैट ब्राइब. ओके, आंसर इज बी. नेक्स्ट, द ट्रेनी परफॉर्म द टास्क विद एक्सट्रीम ईज. ये देखिए एसएससी ने क्या किया है यहाँ पे. एसएससी ने आपको ईडीएम का मीनिंग नहीं पूछा, मीनिंग देके ईडीएम पूछा है. यही खास बात है हमारी सीरीज की कि हम एसएससी का कोई भी अभी 3 या 4 महीनों में आया हुआ क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं, कोई तरीका नहीं छोड़ने वाले हैं. सारे ईडीएम्स आप अपकमिंग क्लासेस, अपकमिंग जो एग्जाम्स आपके होंगे बहुत इजी रहेंगे आपके लिए अगर आपने इस सीरीज को प्लस ए टू जेड को एक बार फिर से देख लिया. बहुत सारे मेरे बच्चों ने एक बार देखा हुआ है. ठीक है, तो अब मैं उन बच्चों से और उनके साथ साथ जो नए स्टूडेंट्स भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगर आपने वो ए टू जेड सीरीज देखी है एक बार फिर से देखिए, नहीं देखी है तो आप जरूर देखिए जिन्होंने नहीं देखी है. ओके, सो यहाँ पे मीनिंग दिया और मीनिंग देखिए ईडीएम पूछा. अब एट द 11th आर हमने ए टू जेड में पढ़ा है क्या मतलब होता है आखिरी समय में कुछ करना. मैंने आपको स्टोरी भी बताई थी कहां से हमने ये 11th आर उठाया है, ओरिजिन बताया था. ओके, कंपनी के वर्कर्स होते हैं वो लास्ट में ज्वाइन करते हैं, याद आ रहा होगा कुछ. ओके, सो 11th आर का मतलब एट द लास्ट मोमेंट. स्वैन सॉन्ग ये भी बताया था. ठीक है, स्वैन सॉन्ग का मतलब होता है लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ समवन. ठीक है, कॉल इट अ डे, किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, उस दिन के लिए रोक देना, स्थगित कर देना. अ पीस ऑफ केक, समथिंग दैट इज वेरी इजी, समथिंग दैट यू परफॉर्म्ड विद एक्सट्रीम ईज, जो आपने बहुत आसानी से कर ली. आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 14, अ स्टॉर्म इन अ टी कप. देखिए छोटा सा चाय का कप है और उसमें इतना तूफान मचा हुआ है, यानी छोटी सी चीज का बतंगड़, बात का बतंगड़ बना देना. आपको क्या करना है अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 पे हैं, तुरंत के तुरंत अभी आपको जो ईडियम याद आ रहा है जो इससे सिमिलर है, ठीक है, जिससे वही सेंस निकलती है कि किसी बात को एग्जैजरेट कर देना. ठीक है, मैं आपको हिंट देती हूं, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ, याद करो मेक अ माउंटेन आउट ऑफ, और इसे कंप्लीट करके कमेंट सेक्शन में लिख देना. ओके, तो दोनों का मतलब यही है, बात का बतंगड़ बना देना, छोटी सी चीज का बहुत बतंगड़ बना देना. तो यहां पे अ लॉट ऑफ एंगर एंड वरी अबाउट ट्रिवियल थिंग्स, छोटी छोटी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा देना, उन पे बहुत गुस्सा करना, उनको बहुत बड़ी करके दिखाना. ठीक है, यहां पे मेक, ओके, ये है एक ईडीएम, सिमिलर ईडीएम. एक और सिमिलर ईडीएम है मेक अ माउंटेन, इसे भी फिल कीजिए. ठीक है, मेक अ माउंटेन डैश 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 डैश, 2-3 वर्ड्स और आएंगे. तो इन दोनों ईडीएम्स को जो स्टॉर्म इन अ टीकप के सिनोनिम है उनको जरूर लिखिएगा. ओके, टेल अपॉन, टेल अपॉन, ये भी एक नया ईडीएम एसएससी ने पूछा, अच्छा ईडीएम है ये. टेल अपॉन का मतलब क्या होता है, टेल अपॉन एक फ्रेजल वर्ब की तरह से है, इसे ईडीएम तो नहीं बोलेंगे आप, इसको फ्रेजल वर्ब बोल सकते हो. जब किसी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन मिलकर एक अलग मीनिंग देता है उसे बोलते हैं फ्रेजल वर्ब. जब कोई इंसान अपने एम्प्लॉयज की, अपने कलीग्स की बातें अथॉरिटी तक पहुंचाता है, ठीक है, जो हायर अथॉरिटीज में लोग बैठे होते हैं उन तक पहुंचाता है, वो चीज उस सेंस में हम यूज करते हैं टेल अपॉन. ठीक है, या आप बोल सकते हैं स्निच करना, एक एक बात ऊपर पहुंचाना, सो दैट यू कैन गेट दी बेनिफिट्स. तो कहीं ना कहीं जो क्लोजेस्ट मीनिंग है इन चार में से, क्लोजेस्ट मीनिंग, ये तो नहीं है, ये नहीं है, स्ट्राइक हार्ट, एफेक्ट एडवर्सली, तो ये जो स्निचिंग करना है, बातों को ऊपर तक पहुंचाना या चुगली करना या बेनिफिट्स गेन करने की कोशिश करना बॉस से, अपने कलीग्स की बातें पहुंचा के, ये कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव डालता है. दीज थिंग्स एफेक्ट एडवर्सली, सो द करेक्ट आंसर विल बी डी.
इस क्वेश्चन को कॉपी में लिख लीजिएगा. ओके, हार्ड एंड फास्ट. जब मैं ये कहती हूँ कि बेटा कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा प्लान मत बनाइए जो आप पे फॉलो ही ना हो. ठीक है, आपने प्लान बना लिया कि आज एक दिन में 1000 EDMs कर दूंगा. सो डोंट मेक दोज हार्ड एंड फास्ट और स्ट्रिक्ट प्लान्स और स्ट्रिक्ट स्ट्रैटेजी कि वो फॉलो ही ना हो. आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 17. इट वॉज अ कैश 22 सिचुएशन. कैश 22 2016 के मेंस से आना शुरू हुआ था और तब से ये कैश 22 कभी प्रिलिम्स, कभी मेंस, कभी सीपीओ, कभी सीएचएसएल, कभी स्टेनो, कहीं ना कहीं दिखता ही रहता है. तो ये इंपॉर्टेंट ईडीएम बन चुका है. कैश 22 एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आप फंस चुके हो, उसका सॉल्यूशन ही नहीं समझ आ रहा. जैसे आप किसी भी जॉब में जाते हैं, जॉब का जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके अपने, सर्टिफिकेट्स लेके अपने, वहाँ पे वो आपको एक बात पे रिजेक्ट कर देते हैं, बट यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, सॉरी वी कांट कीप यू. ओके, तो अब आप उस सिचुएशन में फंस चुके हैं क्योंकि कहीं कोई नौकरी देगा तो मैं एक्सपीरियंस लूंगा ना. जहां जहां आप जा रहे हैं सब कह रहे हैं एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन टू गेन एक्सपीरियंस ऑल्सो यू नीड अ जॉब ना. बट दीज कंपनीज डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग. कंपनीज आजकल ये समझती नहीं है कि यार किसी फ्रेशर को चांस दोगे तो ही तो उस पर आएगा एक्सपीरियंस. तो ये बहुत ही कैश 22 सिचुएशन है. ठीक है, ऐसी सिचुएशन को ऑक्सीमोरन भी बोल सकते हैं. जब दो विरोधाभास चीजें, जब दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें एक साथ लोग डिमांड करें. ठीक है, तो आंसर इज बी. दैट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड. समझाने के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया. क्वेश्चन नंबर 18. द यूथ इन्वॉल्व्ड इन द एक्सीडेंट एस्केप्ड बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ. अभी तक जो 17 ईडीएम्स मैंने आपको कराए हैं उन्हीं ईडीएम्स में से एक का मीनिंग इस ईडीएम के मीनिंग के बराबर है. तो ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. दो टास्क हो गए आपके. ठीक है, अभी आपको कंप्लीट करने के लिए दिया था फिल इन द ब्लैंक, और एक ये है कि 18 ईडीएम का मीनिंग कौन से क्वेश्चन वाले ईडीएम के बराबर है. ओके, तो यहां पे ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूं. क्वेश्चन नंबर 19. विन लॉरेल्स. लॉरेल्स मींस, लॉरेल्स का मतलब ही क्या होता है, एप्रिसिएशन. एप्रिसिएशन पाना, सम्मान पाना, रिवॉर्ड्स गेन करना. ठीक है, या सम्मानित होना, टू गेन ऑनर, प्रशंसा पाना, टू गेन प्रेज. उसका सीधा अभी सीधा साधा लेटेस्ट एग्जाम्पल है पीवी सिंधु, जो कॉमनवेल्थ 2022 में गोल्ड मेडल जीती हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि इनकी पिक लगा देनी चाहिए. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, लेट डाउन. जब आप किसी को लेट डाउन फील कराते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको डिसअपॉइंट फील कराते हैं, डिस्करेज फील कराते हैं, कहीं ना कहीं आप उसको फेल्ड फील कराते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज बी. सो दीज वर दी 20 ईडीएम्स. हमने बहुत जल्दी जल्दी कर लिए, कम समय में कर लिए, और उसके साथ एक ऐसे तरीके से किए तो मुझे नहीं लगता आप लोग भूल पाओगे. ठीक है, जो होमवर्क टास्क आपको दिया है वो जरूर करना. फीडबैक देके जरूर बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, आपने कुछ नया सीखा या नहीं. और आपको प्रॉमिस करना है कि आप A to Z ईडीएम्स को साथ साथ रिवाइज करेंगे, तभी जो मैंने गारंटी ली है वो फुलफिल हो पाएगी. थैंक यू. नमस्ते. जय हिंद. अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशी से तैयारी कीजिए.